सब लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। और सब लोग कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर। सबको जोड़ दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज संडे का दिन है, आप वैसे तो अब डेली आपका संडे रहता है तो, लेकिन हमारा संडे नहीं है डेली। अब हमको थोड़ा बिजी शेड्यूल है, अब जब से क्लासेस स्टार्ट करिए तो बाहर जाना नहीं, तो काफ़ी समय से जो है लंबे समय से टिके हुए थे। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं आज की क्लास के अंदर, बहुत जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हर किसी को उतनी जगह दो दिल में, हर किसी को उतनी जगह दो दिल में जितनी वो आपको देता है, वरना या तो खुद रोओगे या फिर वो आपको रुलाएगा। कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर लगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ज़ोरदार, बहुत अच्छे। क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस कर रहे हैं स्टार्ट, बस एक मिनट में ही करते हैं। चलिए, विक्रांत आज कहाँ पे? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए सही है, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लेते हैं कल वो सवाल जो हमने आपसे पूछा था। सवाल है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि गोदावरी। और जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है उनके नाम है आनंद कुमार, अंकित तोमर जी, कौन है भाई, राजवंत यादव, अच्छा जी यादव जी, परमवीर सिंह, विवेक देशवाल, शिवांगी प्रजापति, केशव कुमार, गगनदीप जादौन, नीलम सोलंकी, लोकेश कुमार, भारत गुप्ता, मनीषा बेनीवाल, विक्रांत चौधरी, गोविंद ठाकुर, आमिर अली, सचिन चौधरी, जतिन शर्मा। इन सब लोगों ने दिया है, जिसका नाम छूट गया हो कृपया माफ़ करिएगा। इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, हम बिल्कुल अब क्लास को स्टार्ट ही कर लेते हैं। चलिए बिना किसी देरी के पहले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और ले लेते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, चलिए बताइए इसका क्या उत्तर होगा कि भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य की देवलाली, देवलाली किसका नाम है, नासिक का ही नाम है, अब यहीं से क्लियर हो गया। हालांकि पेपर में ये नहीं लिखा आएगा यहाँ पे देवलाली, ये नासिक लिखा हुआ, मुश्किल पेपर में आप सबको मिले, क्योंकि नासिक मिल गया तो फिर तो उत्तर आप लगा ही देंगे। इसे देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है, तो कहाँ से किया है? तो ये महाराष्ट्र से किया है। महाराष्ट्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र इंडिया में है, आप सब लोगों को इसकी जानकारी है। तो महाराष्ट्र की राजधानी कमेंट में बताइए क्या है। ठीक कह रहे हैं आप लोग, मुंबई इसकी राजधानी है। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। शीतकालीन जो है वो नासिक है, अगर शीतकालीन पूछे तो नासिक है, तो यहाँ भी होता है, लेकिन अगर पेपर में आ जाए राजधानी कौन सी तो मुंबई है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है, ना केवल महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बल्कि भारत का भी सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। चलिए क्लियर है आपको, सब लोगों को आ रहा है समझ में? चलिए बहुत खूबसूरत, अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहिए। चलिए भैया इसके बारे में और बातें बताएं। चलिए बताइए, तो इसमें मुंबई में कितने ज़िले हैं कुल? तो कुल हैं 36 ज़िले, 36 ज़िले हैं मुंबई में टोटल, कुल मिलाकर के 36 ज़िले हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि बताइए इसका गठन कब हुआ था मुंबई का, तो 1 मई 1960 को हुआ था, 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था महाराष्ट्र का, है ना, महाराष्ट्र जो राज्य है इसका गठन कब हुआ था, 1 मई 1960 को हुआ था इसका गठन जो है महाराष्ट्र का, 1 मई 1960 को हुआ था भाई। चलिए आगे अगर आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे गवर्नर कौन है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, तो राज्यपाल ने भगत सिंह कोश्यारी। सब लोग जुड़े रहिए, इत्मीनान से जुड़े रहिए, ठीक है। आज की इंपॉर्टेंट क्लास है बहुत ज़्यादा, और आज जो है मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा ज्योग्राफी, जो मैंने कल कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर रात 8 बजे पढ़ाई है, उसके मैं MCQs लेकर के आऊँगा। लगभग 70-80 सवाल मैं आपको कराऊँगा, मेरे पास बहुत सवालों का पिटारा है, लगभग बहुत लंबी क्लास चलाऊँगा आज मैं, आज आप बहुत एकदम तैयार रहिए। और रात को 8 बजे ही मैं उस क्लास को आज दूंगा आपको, शाम रात को 8 बजे, 8 बजे आप मिलिएगा परीक्षागढ़ चैनल पे ही, मैं उसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ। इसके अलावा जो मेरी मैथ की क्लास है, जो दिल्ली पुलिस का बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, वो मैथ की क्लास है सुबह 8 बजे, वो कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर है। इसके फिर बाद में ठीक 9 बजे होती है परीक्षागढ़ पर अपनी जो करंट अफेयर्स की क्लास, आज संडे की वजह से नहीं है, आज टेलीग्राम चैनल पर आपका टेस्ट है। फिर उसके बाद में जब आप टेस्ट कर लेते हैं तो संडे के दिन, तो मंडे की अगर मान रेगुलर डेज़ की अगर बात करते हैं, मंडे टू सैटरडे, तो दिल्ली पुलिस के इस बैच में सुबह 8 बजे मैथमेटिक्स की क्लास है, फिर उसके बाद में 9 बजे करंट अफेयर्स की परीक्षागढ़ पर क्लास है, फिर शाम को 5 बजे विवेक सर की क्लास है रीजनिंग की, वो कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर ही है, तो उस क्लास को भी आप देखना ना भूलें। रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से लेकर के और हाई लेवल तक वहाँ पर जो है वो कंप्लीट करा रहे हैं। और फिर उस रात को आपको 8 बजे हमारी जो है
जीके की क्लास आपको मिलती है, तो उसमें हम आपको पूरा जो है दिल्ली पुलिस का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। आपको बस इतना ही बहुत है, अगर आप इतना ही मोबाइल के सामने टाइम बिता लेंगे जितनी हम क्लास दे रहे हैं तो उतना ही इनफ है। आपको बेकार में ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे महाराष्ट्र में गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पे जो गवर्नर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है जी, कोश्यारी ये कौन है, यहाँ पे गवर्नर है। अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है यहाँ पे उद्धव ठाकरे। ठीक है जी, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे यहाँ पे कौन है, मुख्यमंत्री हैं भाई मेरे, मुख्यमंत्री। सही है, मुख्यमंत्री समझते हो गए आप सब लोग। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। शिवसेना पार्टी है इनकी, शिवसेना का एनसीपी का और कांग्रेस का गठबंधन है, और इस गठबंधन की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में है। वैसे सबसे बड़ा दल जो है यहाँ पे बीजेपी है, सबसे ज़्यादा विधानसभा में सीटें किसकी हैं, तो भाजपा की है। वैसे जो यहाँ पे सरकार है वो किसकी है, शिवसेना की है, यानी गठबंधन की सरकार है। इसके अलावा अगर यहाँ पे पूछता है आपसे कि एमएलए की सीट्स कितनी है, एमएलए यानी कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 288 सीटें हैं। राज्यसभा इंपॉर्टेंट होती है, जैसा मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ, तो राज्यसभा यानी अपर हाउस में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो आप याद रखिए राज्यसभा में 19 सीटें हैं और लोकसभा में 48 सीटें हैं। ठीक है भैया, क्लियर है सबको, लोकसभा में 48 सीटें हैं। सबको ये समझ में आना चाहिए, सबके समझ में आना चाहिए भाई, लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं। अगर लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद में जो नंबर आता है फिर वो महाराष्ट्र का ही आता है, यानी दूसरे नंबर पर जो वो महाराष्ट्र दूसरे सेकेंड नंबर पर है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि फ्यूचर ब्राउन इंडेक्स 2020 में भारत के किस ब्रांड को सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर रैंकिंग मिली है। तो इसमें मिली है दोस्तों रिलायंस को, वैसे इसका दूसरा वाला ऑप्शन ठीक है, रिलायंस को इसमें मिला है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, ये फ्यूचर ब्रांड है, यहाँ पर डा है, ये फ्यूचर ब्रांड है ये। ठीक है भाई, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, फ्यूचर ब्रांड है, डा है यहाँ पर, है ना, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स। नहीं, यहाँ तो सही है, मैं कहाँ गलत कर गया भाई मेरे, यहाँ पे है ये ब्रांड है ना, ये डा है यहाँ पे, सही है। चलिए, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किसको दूसरे स्थान पर सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर किसको रैंकिंग मिली है, तो रिलायंस को मिली है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर रैंकिंग मिली है। जबकि पहले नंबर पर कौन है, वो एप्पल है। रिलायंस पहली बार इस सूची में शामिल हुई है और लंबी छलांग लगाते हुए सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। तो अगर मैं रिलायंस के बारे में बात कर लेता हूं, तो जो रिलायंस है, रिलायंस का गठन कब हुआ था, तो रिलायंस का गठन हुआ था 8 मई 1973 को। कौन है इसके संस्थापक, फाउंडर कौन है, कोई कमेंट में बता रहा है फाउंडर इसका, रिलायंस कंपनी का फाउंडर बताइए जल्दी से। इसका फाउंडर हैं धीरू भाई अंबानी। फाउंडर मतलब संस्थापक, जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी। और अभी वर्तमान में इसका मालिक कौन है, या फिर अगर आपसे CEO पूछता है तो कौन है, तो फिर वो है मुकेश अंबानी जो हैं वो फिर इसके CEO हैं, मुकेश अंबानी इसके CEO हैं। ठीक है जी, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुकेश अंबानी CEO इसके हो गए, तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ इसी रिलायंस के बारे में कि भाई मुझे ये बता दीजिए कि इसका जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर इसका फिर मुंबई में। इसका जो मेन उद्देश्य है वो जो है IT कंपनी के साथ साथ में इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल है ना, इस सब चीज़ में जो है ये हाथ आजमाती, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इस सब में रिलायंस का मार्केट है। इसके अलावा मैं पहले नंबर पर बात करता हूँ, तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में पहले नंबर पर जो है वो एप्पल कंपनी है। और अगर एप्पल की मैं बात कर लेता हूँ, तो एप्पल जो है, एप्पल कहाँ की कंपनी है, तो एप्पल USA की कंपनी है। तो इसका हेडक्वार्टर भी USA में ही है, और जिस शहर में इसका हेडक्वार्टर है उस शहर का नाम है कुपरटिनो, ये होना चाहिए कुपरटिनो, इसका प्रोनंसिएशन है। ठीक है जी, कुपरटिनो इसका प्रोनंसिएशन है, USA में है। संस्थापक कौन है इसके, तीन लोग थे संस्थापक, उनमें मुख्य कौन थे, तो स्टीव जॉब्स की मृत्यु हो गई थी 2011 में। तो इसके बाद जो इसके जो मालिक हो गए, यानी कि इसके जो संस्था, इसके जो ओनर हो गए, तो वो कौन हो गए, तो उसी समय के उनके साथी थे, उनका कुक नाम है, पूरा नाम क्या है उनका बताइए, कोई कमेंट करके बताएगा। एप्पल के जो वर्तमान में CEO हैं यानी ओनर हैं, उनका नाम टिम कुक। ठीक है, टिम कुक जो है वो है, चलिए बहुत बढ़िया, टिम कुक। ठीक है, क्लियर हो रहा है, बताइए एप्पल के बारे में। जो एप्पल है वो एप्पल भी जो है सॉफ्टवेयर, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, IT, इन सब क्षेत्रों में काम करती है। इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो वो 1 अप्रैल 1976 को हुई थी, रिलायंस के बाद हुई थी इसकी जो है, रिलायंस पहले हो गया था, इसके 3 साल बाद हुआ ये 1976 में, वो 73 में था, ये 76 में। ठीक है, आपको क्लियर है सब लोगों को,
आगे बढ़ना चाहिए क्या? चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चल देते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है, प्रतिवर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस, यानी तीसरा ऑप्शन इसका ठीक है। तो छठे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय ने 7 अगस्त 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक समारोह आयोजित किया ताकि कोविड-19 महामारी के सार्वजनिक सभा के आयोजन से बचा जा सके। केंद्रीय वस्त्र और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय वस्त्र एवं महिला बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी इस समारोह की मुख्य अतिथि और वस्त्र सचिव रवि कपूर विशिष्ट अतिथि थे। तो अगर मैं इसमें आपसे ये पूछता हूँ कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या है मेन चीज़? जो है जो हाथ से बने उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हथकरघा दिवस मनाया जाता है, यानी स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया के जो अभी कैंपेन भी चल रहा है और आप सब लोग भी इसमें अपनी सहभागिता प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सबको लेकर के किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोग बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आपको एंटरटेनमेंट चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? हम पढ़ाई दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा, तभी आपकी दो ये चीज़ें आप समझ पाएंगे। दिल्ली पुलिस में हुबहू सवाल पूछे जाएंगे, स्टैटिक जीके का करंट अफेयर, जिसने पिछली बार पेपर दिया होगा उसको जानकारी है दिल्ली पुलिस का, ये सारे के सारे सवाल होते हैं। करंट अफेयर जिसका अच्छा है, जिसका स्टैटिक जीके मजबूत है, वो सब कर पाएगा। तो ये जो सुबह की क्लास है आपकी 9 बजे की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको लगातार करके रखना चाहिए। जैसे ही खत्म होता है उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, किताब कॉपी में इसको लिख करके रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर मैं चल देता हूं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? IIT दिल्ली के साथ किया है, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ में उन्होंने ऐसा किया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ में किया है। तो इसमें मैं आपको बता सकता हूं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों के लिए डाटा प्रेरित निर्णय निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा उन्नत डाटा प्रबंधन प्रणाली के उपयोग पर एक उत्कृष्टता केंद्र के गठन के लिए दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT दिल्ली के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताइए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, कमेंट करके बताइए कौन है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सब लोगों को, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? चलिए तो फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं कि हाल ही में भारत का पहला भक्ति फिल्म महोत्सव, देशभक्ति फिल्म महोत्सव शुरू हुआ, यह फिल्म महोत्सव किस निकाय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इसके चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। 1 2 3 4 लिखा करिए, केवल 1 2 3 4 सही है इसका। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अपनी तरह का पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव आयोजित कर रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह 2020 के तहत आयोजित यह महोत्सव 7 अगस्त 2020 से 21 अगस्त 2020 तक चलेगा। ये जो 15 अगस्त अपना स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इसके उपलक्ष में इसका आयोजन कराया जा रहा है। सबको क्लियर हो रहा है? सबके आ रहा है समझ में? अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार जोशी, ये बिल्कुल ठीक जवाब है, मैं इनसे पर्सनली मिला भी हूँ बुलंदशहर किसी कार्यक्रम में। प्रदीप कुमार जोशी जी जो हैं, इनको UPSC का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। इसके अलावा शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। UPSC भारत के अहम पदों पर नियुक्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। तो अगर मैं इसमें UPSC की बात कर लेता हूँ, यानी संघ लोक सेवा आयोग की बात कर लेता हूँ, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये जो कमीशन है ये किसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओ कमेंट करके, UPSC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्या कमेंट कर रहे हैं, हेडक्वार्टर बताओ, हेडक्वार्टर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, दिल्ली, दिल्ली में है। UPSC का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। संविधान में किस आर्टिकल के तहत UPSC के बारे में बताया गया? तो आर्टिकल 315 में इसमें बताया गया, जो अपना अनुच्छेद 315 है संविधान में, उसमें UPSC के बारे में जिक्र है, कैसे कैसे इसका गठन होना है, कौन इसके अध्यक्ष सदस्य कितने होंगे, किस तरीके से पूरा है वो किसमें है। तो 315 मेरे विचार में वो 14वां भाग होगा, लेकिन ये आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, लेकिन आर्टिकल 315। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं।
अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसने बैंकों को म्यूचुअल फंड के माध्यम से बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति दे दी है, तो कौन देगा? ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ही दिया होगा। तो अगला इसका उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के सभी बैंकों को बैंक म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क आवंटन के बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति दे दी है। तो इस किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया। चौथा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, चौथा लिख लो आप, क्या लिख लो? दिल्ली हाई कोर्ट। दोस्तों इसका जो पूरा PDF फाइल है वो आपको परीक्षागढ़, जो अपना इंग्लिश में टाइप करिएगा टेलीग्राम पे परीक्षागढ़, ये जो परीक्षागढ़ का लोगो है, ये वाला जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला लोगो वहाँ पे आपको लगा मिलेगा, अपना ऑफिशियल लोगो वहाँ पे लगा मिलेगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे अपना कॉम्पिटिशन गुरु जो है एक का टेलीग्राम चैनल और है, वहाँ भी हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, तो आप भी वहाँ पे जो है कर लीजिए, वहीं पे आपका टेस्ट भी है आज, ठीक है जी। तो इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ तो RBI के बारे में, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए, कोई बताएगा RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में, बिल्कुल सही है, मुंबई में है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है, भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई जो है, तो मुंबई है इसका हेडक्वार्टर जो है। इसके अलावा इसके चार रीजनल हेडक्वार्टर, चार बड़े शहरों दिल्ली मुंबई चेन्नई और इसके अलावा कोलकाता, वहाँ पे भी है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, RBI एक्ट के द्वारा हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अभी इसके गवर्नर कौन है RBI के गवर्नर, बताइए कमेंट करके, जल्दी जल्दी बताइए। शक्तिकांत दास जो हैं वो गवर्नर हैं, यानी राज्यपाल हैं किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। क्लियर है सब लोगों को? अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल ये रहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किस यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन आयोजित कराने की अनुमति दी है? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया, तो DU के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? तो DU के लिए दिया है, यानी कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा? आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? DU, तीसरा, चलिए तीसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, DU ने किया है इसको। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन को 10 अगस्त से आयोजित कराने की मंजूरी दे दी है, जबकि पहले यूनिवर्सिटी को दृष्टि बाधित स्टूडेंट्स के लिए CSC में राइटर्स की सुविधा देने के निर्देश दिए गए थे। तो अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी बात कर लेता हूं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी गठन कब हुआ था? तो 1922 को हुआ था इसका गठन मित्रों, 1922 को DU का गठन हुआ था। इसको मान्यता कहाँ से मिलती है? तो UGC से ही इसको मान्यता मिलती है। इसके अलावा इसके कुलाधिपति कौन है? कुलाधिपति तो भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं, और जो कुलाधिपति होते हैं वो कौन है? इसके भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और अगर कुलपति की बात करता है कि कुलपति कौन है, बाकी अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो राज्यपाल वहाँ पे फिर कुलपति का दायित्व तो निभाते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो कौन होंगे? भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, अब भारत के उपराष्ट्रपति कौन बताएगा? कौन है भारत के उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर योगेश त्यागी हैं, तो इनका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, कब इनको चेंज हो जाए फिर आप मुझसे कहते, फिर पूछेगा भी नहीं, है ना, योगेश त्यागी वर्तमान में। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। इसमें कह रहे हैं कि हाल ही में महिंदा राजपक्षे की पार्टी ने श्रीलंका के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है, महिंदा राजपक्षे जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं वह पार्टी कौन सी है? तो ये पहला ही ऑप्शन ठीक है इसमें, श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे, ये राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका का? गोटाबाय राजपक्षे। राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति हैं गोटाबाय राजपक्षे, यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे ने देश के संसदीय चुनाव में अपनी पार्टी की बड़ी जीत की घोषणा की है, जिससे उनके भाई महिंदा राजपक्षे, इनके भाई हैं वो महिंदा राजपक्षे, एक बार फिर प्रधानमंत्री उनके बनाए जाने की उम्मीद है। अपने भाई को दोबारा से ये जो है इनकी पार्टी ने जीता है, और एक बार फिर से, पहले भी वही महिंदा राजपक्षे थे, अब दोबारा भी उन्हीं के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है। अगर मैं श्रीलंका के बारे में आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, तो श्रीलंका का पुराना नाम आप बताइए क्या है? तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका का पुराना नाम है, पुराना नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिलोन, CEYLONE, सिलोन है जो श्रीलंका का पुराना नाम है, सिलोन है। और ये नाम रहा है श्रीलंका का 1972 तक, 1972 में इसका नाम चेंज हो गया, और 1972 में इसका नाम हो गया लंका। कब हो गया? 1972 में, 1972 में लंका हो गया, और लंका भी नहीं रहा, लंका 1978 में हो गया ख़त्म, और 1978 में इसका नाम फिर क्या हो गया? तो श्रीलंका इसका नाम हो गया। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि बताइए श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है कोलंबो, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है।
दोस्तों श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके टाइप करके जल्दी से बताइए श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। श्रीलंका की राजधानी बता दीजिए, किसी को मालूम है तो। कोलंबो यहाँ सबसे बड़ा शहर है, राजधानी नहीं है, राजधानी है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे, श्री जयवर्धने पुराकोट्टे, श्री जयवर्धने पुराकोट्टे यहाँ पे यहाँ की कैपिटल है, श्री जयवर्धने पुराकोट्टे यहाँ पे राजधानी है। दोस्तों इसके अलावा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा है, सबसे ऊंची चोटी एडम्स पीक है, सबसे बड़ी झील पुत्तलम झील है, हम्बनतोता पोर्ट यहीं पर है, उसको चाइना विकसित कर रहा है, टीयर्स ड्रॉप कंट्री भी कहते हैं। हैं ये बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में, ज्योग्राफी में आपको पढ़ा ही रहा हूं, तो वहां पे मैं आपको सब बता दूंगा। भारत और इस श्रीलंका के बीच में जो है चार द्वीप हैं, है ना, पल्क स्ट्रीट से आगे चलेंगे तो फिर रामेश्वरम आ जाएगा, फिर धनुषकोडी तलाई मन्नार या इंडियन में आ जाएंगे, उसके बाद में फिर आगे है। तो ये सब कुछ श्रीलंका के विषय में सारे के सारे सवाल थे, तो मैं अगले सवाल की तरफ अब इसमें चल देता हूँ। तो अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन प्रस्तावित किया गया है, प्रस्तावित हो गया यानी कल वो खत्म हो गया वहाँ पे कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय स्वच्छता के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। ये चार कथन इसमें दे रखे हैं, तो इसमें सही उत्तर है कि ये केंद्र स्वच्छ भारत मिशन की सफलता से अवगत कराएंगे, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन ठीक है, ये केंद्र इसके लिए सामुदायिक रेडियो का, नहीं ये गलत है, ये वाला उत्तर ठीक नहीं है, ये केंद्र स्वच्छ भारत मिशन की, ये तीसरा वाला ठीक है यानी थर्ड ऑप्शन इसमें ठीक है, यानी भारतीय नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है जो स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादमक अनुभव केंद्र है। इसके साथ गंदगी मुक्त भारत की जो शुरुआत है वो की जाएगी, यानी कि इस खुले में शौच ना करें, गंदगी ना करें, डस्टबिन में कचरा डालें, कहीं भी जगह देख करके ना बैठ जाएं, इन सब चीज़ों को जो कर किया गया है, दीवारों पर गधे के पूत, उसके आगे वाली लाइन जो है उन सब चीज़ों को ना लिखवाएं, तो उस सब चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए, जब मैंने उनसे कहा कि तुम पर प्यार आता है, जब मैंने उनसे कहा कि तुम पर प्यार आता है, वो मुस्कुराकर बोले तुम्हें और क्या आता है। साथी ये खूबसूरत सी शायरी है। इसके साथ मैं अब लेता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, इसमें कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके चार ऑप्शंस दे रखे हैं, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर ये सभी। एक बार क्वेश्चन को आप आराम से देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आपको इसका जो भी उत्तर ठीक लगता है उसको लाइव चैट में नहीं लिखना है, लाइव चैट में लिखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर आपके द्वारा दिया गया उत्तर ठीक है तो आपका नाम हम कल के सेशन यानी 10 अगस्त के सेशन में लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। हम लोगों की मुलाकात अब कल होगी। इसके अलावा मेरी आपसे शाम को रात को 8 बजे भी मुलाकात एक बार आज हो सकती है, और वो मैं आपको कंफर्म करा दूंगा। वैसे आप इसको मैं कंफर्म करता हूं, चलिए आपकी क्लास होनी है, आप सब लोग इंतजार करिए। परीक्षागढ़ चैनल पर रात को 8 बजे मैं आपसे मिलूंगा, उसमें मैं सौर मंडल जो मैंने कंपटीशन गुरु चैनल पर पढ़ाया है, पहले आप इत्मीनान से अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप कॉम्पिटिशन गुरु चैनल को खोलिए, वहाँ पर मैंने जो है बीती रात को 8 बजे क्लास ली है, उस क्लास को आप देख लीजिए, और उसमें से बहुत सारे सवाल हैं, उसके अलावा भी सवाल हैं, उनको मैं MCQs टाइप में आपको जो है रात को कराने जा रहा हूँ। आप सब लोग जुड़ जाइएगा टाइम से और पूरी क्लास को देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारी रीजनिंग की क्लास शाम को 5 बजे चलती है कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर, और GK की क्लास रात को 8 बजे चलती है, और मैथ सुबह को 8 बजे चलता है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आप लोग जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, बाय बाय।